तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्रूज में, जिसका प्राइस मैं बाद में बोलूँगा। और ये बड़ा वाला क्रूज है और इतना बड़ा। नंबर क्या है अपना? एक ही साथ हो चार। और यहाँ से एंट्री है क्रूज के लिए। और ऊपर जाएंगे और अंदर फूड इंक्लूड नहीं होता, फूड का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन अंदर आपको डांस देखने को मिलेगा, डांस कर भी सकते शायद। ऊपर जाएंगे तो ऊपर आ गए हम लोग, और यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। तो एक है फ्लोर और एक ऊपर रह गए, और नीचे एक था और है ना, वो सामने भी बोट है। तो ऐसे बहुत सारे बोट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप जा सकते हो। तो उसके 500 चार्जेस थे और मैं जिसमें आया हूँ उसके भी 700 है, लेकिन मैंने बार्गेनिंग की तो मुझे 500 में मिला। तो ऐसे आप बार्गेनिंग करके भी कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो। तो सामने भी वैसे ही बोट है, ऐसे ही वहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से भी तो अलग अलग जगह से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे पंजीम में ही मिलेंगे ऐसे, और फुल पैसे वसूल हो जाते हैं। अगर आपके पास कसीनो के लिए इतने पैसे नहीं है तो ये कम खर्चे में आपकी टूर बन जाएगी। तो सामने कसीनो है डेल्टिन, फिर कसीनो प्राइड, फिर उसके बाद अलग अलग कसीनो है साइड में।
पब जैसा बना है और यहाँ पे डांस कर सकते हैं और यहाँ पे सिंगर भी है और यहाँ पे तरीके से हम लोग ने पंजिम का रिवर क्रूज कवर कर लिया है और एक मस्त वाला प्लेस है, अगर आप गोवा जा रहे हो नॉर्थ गोवा तो आपके टूर में ये वाला प्लेस डाल दो। जब आप अगुड़ा फोर्ट जाओगे तो उधर से ही 7 किलोमीटर आगे है तो एक साथ ही ये सब कुछ हो जाएगा। तो पंजिम में कसिनो भी है जो 2000 से स्टार्ट होते हैं, 3000 प्राइस होते हैं, पूरे नाइट चलते हैं, तो कसिनो भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर बजट नहीं है तो सिर्फ रिवर क्रूज ट्राई करो और उसके बाद 7 बजे तो रिवर क्रूज से एग्जिट करोगे, उसके बाद आप वापस आप बागा जा सकते हो, फिर पूरा नाइट बागा बीच में एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे रेट्स है 700 रुपीज़ होते हैं, कुछ कुछ छोटे वाले उनके 500 होते हैं विदाउट फूड रिवर क्रूज के, अंदर ड्रिंक होती है लेकिन एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और 700 का मैंने बार्गेनिंग करके 500 तक लेके आया था, तो आप ऐसे भी बार्गेनिंग कर सकते हो, सस्ते में हो जाता है और काफ़ी अंदर अच्छा है। आप पूरा 1 घंटा ये मस्त वाला सफ़र रहता है, अंदर लाइव शो भी चलते हैं और सनसेट के टाइम पे मस्त वाला व्यू आता है। तो यहाँ पे अगर गोवा जा रहे हो तो ज़रूर जाओ, और मैंने अलग अलग भी गोवा के वीडियोस डाले तो वो भी देख लो आप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी के लिए वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं आगे के वीडियो में, बाय बाय।